सूखे टाइप से देखो। एकदम सूखे टाइप से बढ़िया गरम है देखो। देखियो हम क्या देखे बताया। सूखा थे बच्चा दाल सूखा थे वही तो जो सर्दियाँ नहीं सब सूखा थे। तो दोस्तों आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे फार्मर से जिनके पास सारी चीज़ें हैं, यानी चाहे बकरी पालन हो, चाहे मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, सारी चीज़ें हैं। सर के साथ में मैं आज विजिट पे हूं दोस्तों, और आज मैं इसीलिए फील्ड में सर के साथ घूम रहा हूं। जहां भी जा रहे हैं सर के साथ में हूँ, तो इसलिए मैं काफ़ी जगहों पर घूम चुका हूँ, पर मैं वही प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जहाँ पर मुझे अच्छा लगता है। दोस्तों आज मैं मिल रहा हूँ एक नए फार्मर से। सर सबसे पहले अपना नाम बताएं। कल्लू। कल्लू जी ये बताएं कि आपके पास क्या क्या है अभी, आप अपने आपसे बताएं। हमारे पास मुर्गी भी है। हाँ? क्रायलर भी है, ब्रायलर भी है। हाँ? और मछली की भी पालन है, बकरी की पालन है, यानी सारी चीज़ें आपके पास हैं। सारी चीज़ें। वैसे भी मैं अभी देख रहा था यहाँ पे, जैसे मैं आया हूँ तो मैं सबसे पहले यही देखा हूँ कि आपके पास तो सब सारी सुविधाएं हैं। अच्छा ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है काफ़ी बड़ा सा है। अच्छा ये जो स्ट्रक्चर आपका मैं देख रहा हूँ सर, ये कितना सही है आप बताएं। नहीं अब इसमें जो चौड़ाई तो ज़्यादा है। जी जी चौड़ाई ज़्यादा है, चौड़ाई तो कम होना चाहिए जी। और बाकी तो इन्होंने दो वे से बनाया है कि इसको जब भी चाहें हम इसको घर में कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट कर लें, जब तक नहीं जरूरत पड़ रही जब तक उन्होंने पोल्ट्री फार्म बना मछली का, मछली जो है तालाब खोद के रखा है, तालाब के लिए करके रखा है। जी जी मछली पालन। लेकिन सर ये कहीं ना कहीं बेटर है, जब ये फ्यूचर में अगर चाहेंगे तो ऊपर इसके घर भी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मगर या अगर चाहें तो दो मंजिला फार्म भी बना सकते हैं इसके ऊपर। बना सकते हैं, पर कास्ट बहुत ज्यादा आता है। कास्ट बहुत ज्यादा आता है। अच्छा देखिए पूरा। हाँ पूरा आरसीसी का ही है। और यहाँ पे रख के बनाया गया है कि ये हम जब तक यूज नहीं होता तब तक हम पोल्ट्री फार्म। हाँ तो फिर घर बना दिया जाएगा या कुछ ऐसा कर दिया जाएगा अलग चीज। जी जी काफ़ी बेहतर है दोस्तों, और काफ़ी मजबूत भी है। नीचे आप जालियां देख सकते हैं कि ये जो आपकी जाली की हाइट है कितना है कल्लू भाई? 5 फुट है। 5 फुट हाइट है ना? 5 फुट जालियों की जो हाइट है ये 5 फीट है। तो इसमें ये बताएं कि गर्मी के मौसम में गर्मी तो बहुत ज़्यादा बनती होगी, ऐसा कुछ होता नहीं, है ऐसा नहीं? कोई खास गर्मी नहीं होता है, हल्का भी हवा चला जी एकदम ठंडा रहता है। ठंडा रहता है, हाइट होने ज्यादा है इसलिए हाइट भी ऊंचा है, और ये जाली इसीलिए 5 फुट की जाली लगी है। जी जी इसमें हल्का हवा जो चला तो इधर से उधर हवा बढ़िया निकलता है। अच्छा मैं ये जानना चाहूंगा, इस जो अभी जो आप यहाँ पे क्रायलर डाल रखे हैं, इसमें क्या आपने कभी ब्रायलर का काम किया है, तो उसका रिस्पॉन्स कैसा था? बहुत अच्छा निकला, एक बार किया था तो उसमें बहुत अच्छा निकला, यानी कुछ डैमेज बच्चा निकल गए थे उस बीमारी के टाइम में, तो 400 बच्चा मोर्टलिटी हो गया। उसके बाद में तब भी हमको 20-25 हज़ार रुपया नफा मिला था। ये आप सेल्फ करते हैं ना इसमें? अच्छा ये इससे कितने स्क्वायर फीट का है ये पूरा जो फार्म है आपका? ये 4200 स्क्वायर फुट का है। 4200 स्क्वायर फीट का, अगर इसमें सुविधाएं दे दी जाएं दोस्तों तो ये काफ़ी बेहतर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और चौड़ाई जो है इसकी कुछ थोड़ी ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है, घर के हिसाब से आपने बनाया था, मतलब ऊपर की कोई दिक्कत ना आए। इसकी चौड़ाई कितनी है? 4200 स्क्वायर फुट है चौड़ाई इसकी। 40 चौड़ाई 40 है ना? 10-10, 20-30, 40 हाँ 10-10 फीट पर इस पर पाया दिया गया है, तो इसलिए 40 फीट है। तो ठीक है, इसका मतलब कोई मोर्टेलिटी तो नहीं हो रही ना इस फीड से? यानी फीड भी ठीक ठाक है। जरा एक बार कल्लू भाई मैं आपका ऐसे देखना चाहूंगा बाहर, आप मेरे साथ में चलिए, जरा दिखाइए अपना प्रोजेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये है इनका बकरी का फार्म, और
इस साइड में अभी मैं आगे चल के तब आपको दिखाता हूँ। मछली का तालाब है, इसमें आपने कौन सी मछलियाँ डाल रखी है अभी? इसमें रोहू है, भाकुर है, कामन हाँ। है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक समरा मछली होती है वो है। हाँ हाँ, और अब चलेंगे ब्रायलर के पास। ये बकरी पालन है। हाँ, वो बकरी पालन तो मैंने बताया, देखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी इनका मुर्गा उठ चुका है ना, थोड़ा ही बचा है। हाँ, उठ चुका है, बस थोड़ा 10-20 पीस है। 10-20 पीस बचा है बस।